और मेरे सुरवीरों कैसे हो। तो आज की क्लास में हम कुछ आपके ही भेजे हुए डाउट्स को सॉल्व करेंगे। तो सभी बच्चे पूरे देखेंगे, जिनका क्वेश्चन है वो भी और जिनका क्वेश्चन नहीं है वो भी, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपके नवोदय एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कि फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 720 स्टूडेंट्स इज 7:5। हाउ मैनी मोर गर्ल्स शुड बी एडमिटेड टू मेक द रेशियो 1:1। क्या है, किसी स्कूल में 720 बच्चे हैं जिनमें लड़के तथा लड़कियों का अनुपात 7:5 है, तो कितनी लड़कियां और मिला दी जाएं कि उनका जो अनुपात है ना, लड़के और लड़कियों का अनुपात, वो 1:1 का हो जाए, यानी 1:1 का हो जाए। और ऑप्शन भी दिया गया है, 160, 145, 120, 170 ऑप्शन भी दिया गया है। क्वेश्चन काफी इजी है लेकिन काफी सारे बच्चे नहीं कर पाएंगे, इसलिए पूरा सॉल्यूशन देखना और पूरी क्लास अटेंड करना, ठीक है। इस पूरे जितने भी क्वेश्चन मैं बताऊंगा ये सारे देखना, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। और बताने के पहले एक बात और बता देना चाहता हूं, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज बच्चा वीडियो को लाइक कर दो, और जो बच्चे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। तो चलो देखते हैं इसमें क्वेश्चन में था क्या। क्वेश्चन में बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट जो है वो 720 है। कितना है टोटल जो स्टूडेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या जो है वो कितना है, 720 है, बताओ, सही है ना। उसके बाद इनका जो अनुपात है यानी जो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स का जो रेशियो लड़के और लड़कियों का अनुपात है वो 7:5 का है, यानी 7:5 का है, बताओ, इतनी बात सही है। अब यहां पर हम करेंगे क्या, हमको यहां ये क्वेश्चन में पूछा ना कि कितनी लड़कियां और मिला दिए जाए कि लड़के और लड़कियों का अनुपात 1:1 हो जाए, है ना, 1:1 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, लड़के और लड़कियों के नंबर निकाल लेते हैं अलग अलग। तो अगर हम इसमें बॉयज निकालेंगे बच्चा, तो बॉयज हम कैसे निकालेंगे, टोटल तो 720 है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है, बॉयज उसमें से 7 है तो 7 लिख लेंगे, और लड़के और लड़कियां दोनों मिलाओगे तो कितना हो जाएगा, 12, यानी इनका रेशनल एडिशन, ठीक है, अनुपातिक योग, इस तरह से ये मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ाया हुआ है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 12 × 1 = 12, 12 × 6 = 72, यानी 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, सही है। तो यानी 7 × 6 = 42, यानी 420 कितने हो गए, बॉयज हो गए, बताओ, इतनी बात आ गई समझ में। अब सेम ऐसे ही गर्ल्स निकालना है, तो गर्ल्स निकालने के लिए एक काम ये कर सकते हो कि टोटल 720 थे उनमें से बॉयज को माइनस कर दो तो भी आ जाएगा लड़कियों की संख्या, नहीं तो इस तरह से निकालना, तो इस तरह से भी निकाल सकते हो, टोटल 720 है, रेशियो में लड़कियां 5 हैं और टोटल इनका रेशनल एडिशन यानी अनुपातिक योग 12 होगा, तो 12 × 6 = 72, सही है ना, यानी 12 × 72, और ये 0 था ये हमने 0 लिख लिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा, बात खत्म, बात आई समझ में। अब ये कह रहा है कितनी लड़कियां और मिला दी जाए, तो ठीक भाई समझ लेते हैं कितनी लड़कियां मिला दी जाए, 420 बॉयज हैं और 300 गर्ल्स हैं, इसमें मान लो एक्स लड़कियां और मिला दी जाए, कितनी मिला दी जाए, एक्स लड़कियां, तो इनका रेशियो जो हो जाए वो 1:1, ठीक है ना। मैंने रेशियो के बारे में भी बताया था कि रेशियो जो होता है ये ऐसे होता है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, ये अपॉन होता है, ठीक है ना, ये अपॉन होता है ये रेशियो। मैं रेशियो वाले चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा है ना, प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाके जरूर देख लेना, ठीक है। तो यहां पर इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो हो जाएगा 300 + x, और इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी त्रिया गुणा करना ना, तो ये कितना हो जाएगा, 420, बताओ, समझ में आया, यानी 300 + x और इसका गुणा हो जाएगा बराबर 420। अब 300 को उधर ट्रांसपोज कर दो, 300 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 + में था उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 − 3 कितना हो गया, 1, यानी 120, यानी 120 लड़कियां और मिला दो तो इनका रेशियो 1:1 यानी 1:1 का हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, समझ में आ गई ना बात। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाना बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, और अगर आपके पास भी ऐसे कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वहां पर आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो बच्चा फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फैक्टर्स ऑफ x³ + 2x² - 11x - 12, यानी x³ + 2x² - 11x - 12 का गुणनखंड बताना है,
अब गुणनखंड में इतने सारे ऑप्शन दिए, अगर हमको ये क्वेश्चन लगाना हो, ये काफी बड़े क्वेश्चन, आप इनके बारे में 9th में बहुत ही डिटेल में पढ़ोगे कि हमको ये क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। लेकिन अभी आपकी अरिहंत की बुक में ये क्वेश्चन दिया गया है, अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक में दिया गया है, तो हो सकता है कि आपके पेपर में भी ये आ जाए। तो यहां पर हम देख लेंगे बच्चा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर मैंने देखा ना कि इस तरह से किसी भी तरह से कुछ कॉमन वगैरह लेने पर भी इसमें कुछ बात नहीं बन रही थी। तो अगर इसमें कुछ बात नहीं बन रही थी तो हम क्या कर सकते थे? तो देखो, इसका हम काम इस तरह से कर सकते हैं ना कि यहां पर जो हमारा जो भी इक्वेशन दिया है, इसमें हम सबसे पहले हम x की कुछ वैल्यू रखते हैं, कुछ भी x की वैल्यू रखो और इसका आंसर जीरो हो जाए। देखो बात समझना, हम यहां पर क्या रखें, x इक्वल्स टू पहले 1 रख के चेक कर लेते। मैं क्यों समझाने के लिए बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना। x इक्वल्स टू 1 अगर रख के देखो तो इसमें अगर हम x इक्वल्स टू 1 रखें, क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 11x और माइनस 12, यही दिया ना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x की वैल्यू अपने पास से रख लो, ये नहीं कि कहां से आया, अपने पास से रख लो। हमको ये रखना है कि इसका जो आंसर है वो जीरो आ जाए, x की वैल्यू कुछ ऐसी रखो कि ये जीरो हो जाए। जैसे देखो, अगर हम पहले हम ट्राई करते हैं x इक्वल टू 1 से, तो यहां पर अगर हम रखें तो ये 1 क्यूब हो जाएगा प्लस 2 × 1² हो जाएगा, माइनस 11 × 1 हो जाएगा और ये माइनस 12 = 0, ये जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर जीरो नहीं होता तो हम कुछ और ट्राई करेंगे। देखो अब यहां 1 का क्यूब करोगे 1 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे 1 होगा, तो 1 × 2 = 2 हो जाएगा, माइनस 11 का एक्स से मल्टीप्लाई करोगे 11 हो जाएगा और ये माइनस 12 हो गया = 0 हो गया। बताओ बात आई समझ में, ये दोनों प्लस में है 1 और 2, तो इनको प्लस कर दोगे, ये हो जाएगा 3, माइनस माइनस प्लस इंसान माइनस का 12 और 11 कितना हो जाएगा 2 1 3 और 1 1 2, यानी 23 = 0। बताओ सही है कि नहीं? अब 3 − 23 तो होगा नहीं, तो 23 − 3 करेंगे तो हो जाएगा 20, बड़े का क्या माइनस लिया माइनस लगा लिया और ये इक्वल नहीं है जीरो के, यानी ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये इसका सोल्यूशन नहीं है। अब हम दोबारा क्या करेंगे, फिर से हम यही प्रोसेस करते हैं, हम क्या करेंगे कि x इक्वल्स टू माइनस 1 रख के देखते हैं। क्या रख के देखेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 1, तो यहां पर क्या हमारा x क्यूब था, तो x क्यूब की जगह माइनस 1 का क्यूब रख लो, प्लस 2 × x² है तो यहां पर माइनस 1 का स्क्वायर रख लो। ठीक है, माइनस 11 है 11 रख लो, x है तो x यहां पे माइनस 1 रख दो, माइनस 12 = 0। बताओ बच्चा बात आ रही समझ में, हमने क्या रखा, एक बार x इक्वल्स टू 1 रखा तो देखा हमारा ये जीरो नहीं आया, देखो माइनस 20 आ गया। अब हम क्या रखेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 1 रख के देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर अगर जीरो आ गया तो हम क्या करेंगे, तो ये हमारा मतलब एक सॉल्यूशन हो जाएगा। देखो कैसे, माइनस 1 का क्यूब करोगे तो माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2 × −1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस 11 × 1 = 11 हो गया और ये हो गया −12 = 0। बताओ बात आई समझ में, अब यहां पर क्या करेंगे, ये हमारा माइनस 1 हो गया प्लस 2 × 1 = 2 हो गया प्लस 11 हो गया। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, −12 हो गया = 0 हो गया। बताओ इतनी बात आई समझ में। अब देखो यहां पर ये देखो, ये प्लस 2 है और ये प्लस 11 है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस करोगे तो माइनस हो जाएगा ना, और 12 × 1 = 13 हो गया = 0, यानी 13 − 13 कितना हो गया 0 = 0। बताओ बात आई समझ में, यानी हमारा जीरो आ गया, यानी इसका मतलब ये जो एक्स इक्वल्स टू माइनस 1 आया है तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसका एक फैक्टर जो है वो ये होगा, एक फैक्टर एक्स माइनस 1 आया ना, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम यहां पर एक्स माइनस को इधर ट्रांसपोज कर दो तो कितना हो जाएगा +1। ठीक है, एक्स प्लस 1, तो बात समझना यहां पर मैं क्या बता रहा हूं कि एक्स इक्वल टू माइनस 1 आया है, लेकिन हमको देखो इस तरह से हमको ऑप्शन दिए गए ना, इस तरह से हमको ऑप्शन दिए गए, तो हम क्या करेंगे, इसको हम इधर एक्स के पास ट्रांसपोज, माइनस 1 को, तो माइनस 1 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 1, तो इसका मतलब या तो हमारा ए ऑप्शन सही होगा या तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। ये चीज तो क्लियर हो गई है कि इन दो में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो देखो हम क्या करेंगे, जो हमको क्वेश्चन दिया गया है ना, क्वेश्चन हमको क्या दिया गया कि एक्स क्यूब प्लस 2 × x² माइनस 11 x और माइनस 12, ये हमको क्वेश्चन दिया गया था और एक फैक्टर हमें एक्स प्लस 1 मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दो। क्या करोगे, एक्स प्लस 1 से इसको डिवाइड कर दोगे। अब देखो डिवाइड कैसे करेंगे, यहां पर हमारा एक्स है और ये क्या बच्चा एक्स क्यूब है, तो हम एक्स को कितने से मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब हो जाए, एक्स स्क्वायर से,
ठीक है, एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब हो जाएगा। बताओ ये बात आई समझ में कि नहीं आई। देखो एक्स का एक्स स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बेस अगर सेम हो तो मल्टीप्लाई करने में उनकी पावर्स क्या होती है, प्लस हो जाती है ना। तो अगर पावर कुछ नहीं है तो वन है, तो वन एंड टू करोगे कितना हो जाएगा, एक्स की पावर थ्री हो जाएगी। बताओ बात आई समझ में। ऐसे ही वन का एक्स स्क्वायर से करोगे तो ये प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बताओ समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम सबट्रैक्ट करेंगे, इसको हम घटाएंगे, तो घटाने पे क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, साइन जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस माइनस हो गया, कट गया। ये प्लस माइनस का सॉल्यूशन माइनस होता है, बड़े के आगे प्लस है इसलिए प्लस रहेगा। तो सबसे आगे है तो कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं हमको। तो टू माइनस वन करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर, और बचा कितना, माइनस इलेवन एक्स और -12। इस तरह से इसको सॉल्व कर लें। ठीक है, अब देखो x का किससे मल्टीप्लाई करें कि एक्स स्क्वायर हो जाए। भाई x का x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। बताओ बात आई कि नहीं समझ में। एक दोनों के बेस सेम है, पावर जो होती है अगर कुछ नहीं तो वन है, तो वन वन टू हो जाएगा। यानी अगर हम यहां x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस है, और वन का x से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा x। बताओ बात आई समझ में। अब यहां पर हम क्या करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्योंकि सब्ट्रैक्ट करने पे तो माइनस ही करते हैं ना, तो ये कट गया। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, माइनस माइनस प्लस, तो निशान माइनस का 11 और 1, 11x एंड 1x, तो ये हो जाएगा 12x, तो ये वहां हो जाएगा ये -12। बताओ इतनी बात आ गई समझ में। अब यहां पर कितनी बार लेके जाना है, अब यहां पर देखो यहां पर 12 है वो भी माइनस है, और यहां पर क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, और 12 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस 12 का एक्स है तो ये हो जाएगा -12x, फिर प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, 1 का 12 से मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा 12, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, अपोजिट साइन हो गया यानी जीरो। यानी इसका एक फैक्टर ये भी आ गया, देखो इसका एक फैक्टर ये भी आ गया। बताओ ये बात आई समझ में कि नहीं। इसका एक फैक्टर यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे कौन कौन से फैक्टर हो गए, एक तो हो गया हमारा x प्लस वन क्योंकि इससे डिवाइड हो रहा है, दूसरा ये आया, ठीक है ना, एक तो हमारा ये हो गया और दूसरा हमारा ये आ गया, तो ये भी एक फैक्टर हो गया। कितना हो गया, ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस यहां हो जाएगा एक्स माइनस 12, बस हो गया सॉल्व। बताओ बात आई समझ में, इतने बताओ। अब यहां पर हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, इसका गुणनखंड कर लेते हैं, और इसका गुणनखंड करना तो बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे, यहां पर हमारा देखो ये हमारा एक्स स्क्वायर हो गया प्लस 12 का यानी 12 का ऐसा गुणनखंड करो जिनको जोड़ने पर ये आए, ठीक है ना, जिनको घटाने पर एक आए। देखो 12 है आगे माइनस है तो माइनस याद रखना, और इसका कोई ऐसा गुणनखंड जैसे हमने कर लिया 4 3 12 4 3 12, तो ये बताओ इन दोनों का मल्टीप्लाई ये आ रहा है और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो सिंपल सी चीज लिख लेंगे 4x माइनस 3x माइनस 12। बताओ बच्चा बात आई समझ में, बात आई समझ में। अब यहां पर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1 हो जाएगा, यहां पर हम इन दोनों में x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा x प्लस 4, ठीक है। यहां पर क्या है, यहां पर माइनस 3 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में तो ये हो जाएगा एक्स, माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो ये प्लस हो गया और ये हो गया 3 4 12, ये भी सॉल्व हो गया, ठीक है। तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये हो गया हमारा एक्स प्लस 1। अब देखो ये दोनों कॉमन है कि नहीं है, एक्स प्लस 4, तो ये हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया तो बचा क्या हमारा एक्स माइनस 3, ये बच गया हमारा, ये हो गया हमारा आंसर। अब ऑप्शन में देख लो भाई, एक्स प्लस 1, देखो एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 4, देखो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये माइनस में है, ठीक है। तो इसका मतलब सी वाला चेक कर लेते हैं, एक्स प्लस 1 उसके बाद एक्स माइनस 3 फिर एक्स प्लस 4, यानी हमारा ये सी वाला एब्सोल्युटली ये सी वाला करेक्ट है। बताओ बात आ गई समझ में, है ना। तो ये क्वेश्चन मैं कई बार सॉल्व करवा चुका हूं लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते हो, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो चलो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, तो अगर समझ में आ गया हो तो वही वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि जब आप लाइक करते हो तो मेरा भी काफी मोटिवेशन, मुझे भी बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो चलो बच्चा अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन ये दिया गया है कि बाय सेलिंग सुगर एट ₹11.16 पर केजी अ मैन लूजेस 7% क्या 7% ये 2 लिखा है, ठीक है, टू गेन 7% इट मस्ट बी सोल्ड पर केजी एट। यानी कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है वो ₹11.16 प्रति किलोग्राम चीनी बेचता है तो उसे 7% की हानि होती है।
तो वो कितने रुपए में बेचे कि उसे 7% का लाभ हो जाए, बताओ। बात आई समझ में? बात आ गई नहीं समझ में? सिर्फ बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। अब यहां पर देखो हमको क्या कह रहा है कि ये हमारा एसपी है, कि हमारा सेलिंग प्राइस है। तो ये मान लेते हैं कितने का इसने खरीदा होगा, पहले ये देख लेते हैं। जितने का खरीदा है उस पर उसे 7% का लॉस हुआ है, यानी इसका मतलब ये है कि 93% इसका बचा है। बताओ बात समझ में आई? यानी 7% का लॉस हुआ, तो लॉस में क्या करते हैं हम 100 माइनस करते ना, तो ये हमने 100 माइनस कर लिया और कितने का बेचा, 11.16 का बेचा। बताओ बात आई समझ में इतनी? अब यहां सॉल्व कर लेते हैं, सीपी हमारा निकल आएगा, सीपी इज इक्वल टू 11.16 इनटू कितना हो जाएगा 100/93। भाई इसको इधर लेके गया, ये डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई था तो डिवाइड हो गया, है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो 1116/93, क्योंकि दो नंबर के पहले डेसिमल और दो जीरो भी तो हैं, तो यानी डेसिमल अगर यहां डेसिमल लग जाता है तो इसका कोई मतलब है नहीं, मल्टीप्लाई करके देखना तो ये आएगा। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 93 12 जा कितना हो जाएगा 1116, यानी 12 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसने चीनी खरीदी थी। बताओ बात आई समझ में? अब ये कह रहा है इस पर इसे प्रॉफिट चाहिए कितने का, 7% का, यानी इस पर इसे लाभ चाहिए 12% का। तो 12 रुपए था और 7% का प्रॉफिट चाहिए, यानी जब भी प्रॉफिट मांगेगा तो 100+ करके अपॉन 100 कर लेना, बस खत्म बात। अब इसको सॉल्व कर लो, ये दो जीरो काटोगे, दो नंबर के पहले डेसिमल लगा दो और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 7 2 जा 14 यानी 84, तो ये हो जाएगा 12 1 जा 12, ठीक है। तो यानी 12.84, समझ में आई बात? यानी 12 रुपए 84 पैसे का अगर बेचेगा तो उसे कितने का, 7% का प्रॉफिट होगा, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बताओ बात आ गई समझ में? कोई दिक्कत है? देखो ये चीज हमेशा याद रखना ना, ये चीज हमेशा याद रखना, जब भी अगर कहेगा लॉस तो लॉस में क्या करना, जब भी लॉस कहेगा तो इसको 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 करना, ठीक है। और जब भी कहेगा गेन या प्रॉफिट, जब भी कहेगा गेन या फिर प्रॉफिट, तो वहां पर क्या करोगे, सीधा डायरेक्ट मन में ही कर लेना, ठीक है। इसमें कॉपी पे ये फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 100+ प्रॉफिट या गेन परसेंट अपॉन 100, बस इतना सही चीज आपको यूज करना है। बताओ बच्चा बात आ गई समझ में? ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ही आसान था। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो बच्चा अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि राधिका बॉट अ कार फॉर ₹2,50,000। देखो हिंदी में भी समझते रहना, ठीक है ना। राधिका ने कोई कार 2,50,000 में खरीदी, इट्स प्राइस हैज फॉलन बाय 10% इन नेक्स्ट ईयर। अगले साल इसका जो दाम है वो 10% घट जाता है। क्या होता है, 10% घट जाता है। एंड 12% ऑफ फॉल अकर्ड इन द सबसिक्वेंट ईयर, और उसके बाद जो अगला साल आता है उसमें फिर 12% घट जाता है, ठीक है। तो ये कहना है द टोटल फॉल परसेंट इन दोज 2 ईयर्स, मतलब उन 2 सालों में टोटल कितना परसेंट मतलब फॉल हुआ, कितना परसेंट उसका दाम घटा कार का, तो यही बताना है हमें। तो आसान क्वेश्चन है। यहां पर कितना था पहले, देखो पहले कितना था बच्चा, 2,50,000, 4 बार 0 है ना, 4 बार 0 तो इकाई था, सैकड़ा हजार तो चला सही तो है, 2,50,000। फिर ये क्या कह रहा है कि इस पहले साल 10% गिरा, मैंने क्या कहा अभी, जब भी गिरेगा तो 100 माइनस, तो 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 90/100। बताओ बताइए समझ में? फिर अगले साल 12% गिरा, यानी 100 माइनस 12 यानी कितना हो गया, 88/100। बताओ बताइए समझ में? अब यहां पर इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल। बताओ बात आ गई समझ में? इतने में कोई दिक्कत है नहीं ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे कि इसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई करने में कितना आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने में कितना आ जाएगा, 1,98,000। कितना आ जाएगा, 1,90,000, मल्टीप्लाई करके चाहे देख लेना, ठीक है। 1 लाख ये प्राइस है आफ्टर 2 ईयर, ठीक है, प्राइस है आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। तो इतना आ गया। अब इसने कहा टोटल परसेंट, मतलब कितने परसेंट मतलब प्राइस गिरा, कितने परसेंट प्राइस गिरा, तो पहले कितना था, पहले तो इतना था ना, 2,50,000। बताओ इतना था, अब 2 साल के बाद कितना हो गया, 1,98,000। बताओ बात आई समझ में? अब इसी को देख लो कितने परसेंट डाउन हुआ, माइनस कर लो, ये हो जाएगा, इसी को डाउन माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 0, ये 0, ये 0, 10 माइनस 8 हो गया 2,
और यहां पर हम करेंगे तो 14-9 हो जाएगा 5, यानी इतने परसेंट, मतलब इतने रुपए की कमी आई, इतने 2 सालों में इतने रुपए की कमी आई। अब हमको क्या करना है कि हमें परसेंट फॉल बताना, मतलब कितने परसेंट टोटल डाउन हुआ, ठीक है, मतलब कितने परसेंट उसका दाम कम हुआ। तो यानी 52,000 कम हुआ, कितने में से, 2,50,000, इतने में से ही तो 2,50,000 में से हम निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 2,50,000 इंटू 100, क्योंकि परसेंट निकालना है। अब एक जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, बताओ बात आई समझ में, सारे जीरो कैंसिल हो गए ना। तो यहां पर जब सारे जीरो कैंसिल हो गए तो हमको करना क्या है, अब यहां पर देखो हमको इससे डिवाइड कर देना है, हमको इससे डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 25 2 50, सही है ना, फिर 0 25 8 जा 200, यानी इसका मतलब ये हो जाएगा 20.8%, यानी इतने परसेंट फॉल हुआ प्राइस, इतने परसेंट दाम में गिरावट आई। बताओ बच्चा बात आई समझ में, यहां पर यानी अगर हम ऑप्शन देखें तो हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो करना कुछ नहीं था, पहले देखो ये क्वेश्चन पूरा पढ़ लो, इतना बड़ा क्वेश्चन दिया है कि देखने से डर लगता है, लेकिन डरना बिल्कुल भी नहीं, केवल क्वेश्चन के एक एक पॉइंट समझ लेना कि क्या क्या वो हमसे करवाना चाह रहा है, जो करवाना चाह रहा है बस करते चले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर क्या दिया गया, 25 2,50,000 दिया था, पहले साल में 10% डाउन हुआ, दूसरे साल में 12% डाउन हुआ, बस हमने डाउन कर दिया 10%, यानी 90 बचा, फिर 12 डाउन किया 88 बचा, इसको सोल्व किया तो ये हम 2 साल के बाद का ये प्राइस आ गया, ठीक है। अब कितना कम हुआ तो ये देखना है, कितना कम हुआ तो ये पहले इतना था, अब इन दोनों को हमने माइनस कर लिया तो इतना कम हुआ, अब जितना कम हुआ पहले के प्राइस से उसका परसेंट निकाल देंगे, बस हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ना, बिल्कुल मजा आ गया होगा इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करके, और जिनकी बुक में इस तरह के क्वेश्चन है वो प्रैक्टिस करके जाएंगे बच्चा, ठीक है ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो बच्चा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, देखो क्वेश्चन क्या है कि व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 23, 30, 57 एंड 78 सो दैट द रिमाइंडर्स आर इन प्रोपोर्शन। अच्छा अब यहां पर देखो ये कह रहा है कि यहां पर कुछ नंबर्स हमको दिए गए हैं, ठीक है, कुछ नंबर हमको दिए गए हैं। अब यहां पर ये कह रहा है इनमें से हम क्या चीजें, सभी में से कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करें जिससे ये चारों नंबर जो है वो हो जाए। अब समानुपात के लिए हमने क्या पढ़ा है, भाई देखो हमने ये पढ़ा है कि ऐसा कुछ फिगर बनना चाहिए 23/30 = 57/78, अगर ऐसा कुछ होता है इसका इसका मल्टीप्लाई इसका इसका मल्टीप्लाई सेम होता है तो हम समझ जाते हैं कि वो समानुपात है यानी प्रोपोर्शन है, ठीक है ना। तो हमको यही करना, बाकी कुछ नहीं करना। अब ये पूछ रहा है सब में से क्या सब्ट्रैक्ट करो, तो एक काम कर लो सब में से माइनस एक्स कर लो, क्या करोगे सब में से माइनस एक्स कर लो, बताओ बात आई समझ में, सब में से माइनस एक्स कर लेंगे। अब उसके बाद इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 23 - x * 78 - x, और इसका मल्टीप्लाई करोगे इससे तो ये हो जाएगा 57 - x और मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 30 - x, बस बात खत्म। अब इसी को हमें केवल सॉल्व कर देना है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे, 23 और 78 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1794 - 23 का x से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 23x माइनस एक्स का 78 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 78x माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस एक्स और एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बताओ बात आ गई समझ में। आप 57 और 30 का मल्टीप्लाई करोगे बच्चा तो कितना हो जाएगा 1710, 57 का माइनस एक्स से करोगे तो हो जाएगा -57x, माइनस एक्स का 30 से करोगे तो हो जाएगा -30x, और फिर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस और एक्स का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, बस हो गया। अब यहां पर देखो ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि इक्वल के दोनों तरफ है और दोनों प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से हो जाएगा 1794, ये माइनस माइनस प्लस होगा और निशान माइनस का लगेगा, और इन दोनों 23 और 78 प्लस करोगे तो हो जाएगा 101x, बताओ बात आई समझ में। यहां पर 1710 है और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस होता है निशान माइनस का, तो 57 और 30x को प्लस करोगे तो हो जाएगा 87x, बताओ ये बात आ गई समझ में।
अब एक्स को एक्स के पास ट्रांसपोज कर दो, यानी वेरिएबल को वेरिएबल के पास, नॉन वेरिएबल को नॉन वेरिएबल के पास, यानी चर को चर के पास लेके जाओगे और अचर को अचर के पास लेके जाओगे। तो यहां पर क्या है, 100x इसको इसके पास लेके आओगे, तो यानी ये इसके पास जा रहा है, ठीक है, ये इसके पास जा रहा है, ये अपने हिसाब से जैसे भी करते हो उस हिसाब से मैनेज कर लेना, ठीक है। तो ये 87x हो जाएगा, इसको यहां लेके आएंगे, इसको यहां, तो ये प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 1794 माइनस 1710 हो जाएगा। बताओ बात आ गई समझ में, इतने में कोई दिक्कत किसी को? अब 101x माइनस 87x अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा बच्चा 14x। बताओ बात आई समझ में। अब यहां पर ये हो जाएगा 1794 में से 1710 को अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 4 माइनस 0 हो जाएगा 4, माइनस 1 हो जाएगा 9 माइनस 1 8, यानी 84 आ जाएगा। अब यहां से हमको करना ही क्या है, अब तो ये भैया पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है। यहां पर कितना हो जाएगा 84, ये 14 इसका मल्टीप्लाई इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 14 1 जा 14, 14 की टेबल आती है तो 14 6 14 1 14 14 6 84, यानी जो हमारा आंसर आया, जो एक्स की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई बच्चा, 6 आ गई। बताओ बात आ गई समझ में, बताओ बात आ गई समझ में। यहां पर ये यह हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अच्छा एक चीज और भी आती है कि क्या हम आंसर चेक कर लें क्या, कि हमारा आंसर सही है कि नहीं सही है। आंसर चेक करने के लिए क्या करना है कि यही में से सबको हमको 6 माइनस कर लेना है, बस कुछ नहीं करना है, कि उस समय से 6 माइनस कर लेना। क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन जैसे यहां दिया ना 23 चेक, ये आंसर चेक करना है, ठीक है, आंसर चेक करना भी जान लो। जैसे 23 माइनस 6 करोगे अपॉन 30 माइनस 6 करोगे इज इक्वल टू 57 माइनस 6 करोगे और फिर 78 माइनस 6 करोगे, बस ये इतना सा काम करना है, ठीक है। अब यहां पर कर लो, 23 माइनस 6 करोगे कितना हो जाएगा भाई, 33 यानी 17 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 30 माइनस 6 करोगे कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 57 माइनस 6 करोगे कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। बताओ बात है समझ में। और इसमें से करोगे कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 करोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी ये 72 हो जाएगा। बताओ बात है समझ में। अब यहां पर अगर हम देखें क्या ये प्रोपोर्शन में है, देखो अगर हम 17 और 24 इन दोनों को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कराएं, 3 से, तो ये बताओ बच्चा 17 3 जा 51 और 24 3 जा 72 होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब ये दोनों इक्वल तो हैं, ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर जो आया 6 वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये तो थे आपके पूछे हुए कुछ क्वेश्चन, बहुत टाइम नहीं लगेंगे, केवल मेरे समझाने में ये टाइम लगे हैं, अगर आप एक बार प्रैक्टिस करके खुद से लगाओगे तो ये सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए लगातार, टाइम बचा है बहुत ही कम, और तैयारी करिए खूब जम के। और इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आप डायरेक्टली मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है या फिर जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि हाँ आप ये सॉल्व इस तरह से नहीं समझ पाओगे और आपको समझाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। तो बच्चा अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं जवाहर नवोदय एंट्रेंस एग्जाम की, और इस साल 2022 का बैच भी शुरू होने वाला है। तो जो बच्चे इस बार क्लास 8 में जाएंगे वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि अब तो मिलेगा टाइम लंबा, ठीक है, हमको पूरे साल भर तैयारी करनी है, ताकि वहां पर हम जिस यहां पर आकर हम कि हमारा 30% सिलेबस कंप्लीट हुआ, हमारा 40% कंप्लीट हुआ, तो इस तरह की टेंशन कोई दिमाग में ना रह जाए, क्योंकि हम सारी चीजें आपकी 8 क्लास की बुक के साथ साथ नवोदय की बुक की भी तैयारी करेंगे। तो चलो बच्चा, फिर उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और सारी वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां पर और सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स के हिंदी इंग्लिश वीडियोस अवेलेबल हैं। तो चलो फिर बच्चा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, जय हिंद, वंदे मातरम।